दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। कहिए कैसे आप सब। मैं आपका दोस्त एसके यादव अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो सही मायनों में बहुत खास है, क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ी वीडियो है। हेल्थ से रिलेटेड वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साइटिका, जोड़ों के दर्द और घुटनों के दर्द से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का इलाज। वो इलाज जो प्राकृतिक रूप से नसों के द्वारा ठीक किया जाता है। दोस्तों आज न जाने कितने मरीज लाइलाज बीमारी को लेकर बहुत परेशान हैं। वो आशा छोड़ चुके हैं कि हमारा साइटिका का इलाज ठीक भी हो जाएगा, घुटनों का इलाज ठीक हो जाएगा, कमर दर्द और बदन दर्द, गर्दन घुमाने की समस्या ठीक हो जाएगा। बहुत ही निराश हो चुके हैं, यहाँ तक कि बैसाखियों पर चलने के नौबत आ चुकी है और बैसाखी पर चल रहे हैं, आशा छोड़ चुके हैं। कारण कि जब उनको छोटे मोटे कमर में दर्द हुआ तो लापरवाही किए, दवा खा खा कर अपना इलाज कराते रहे, लास्ट में दर्द बढ़ने से वो डॉक्टर के पास गए, जिनको न्यूरो सर्जन बोलते हैं। न्यूरो सर्जन ने क्या किया, आपको बहुत सारे टेस्ट करने के बोले, जैसे कि MRI, उसके अलावा भी ब्लड टेस्ट, इधर उधर बहुत सारे इतने सारे टेस्ट आपको करवा देते हैं। उसमें दुनिया भर का पैसा आपका चला जाता है और लास्ट में वो रिपोर्ट देखने के बाद आपको क्या देते हैं, पेन किलर। फिर ढाक के वही तीन पात और पेन किलर खाकर आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों ये जो साइटिका है, घुटनों का दर्द है, बदन दर्द है, और इस सब में जो साइटिका का जो दर्द है, साइटिका जो प्रॉब्लम है, वो कमर दर्द से शुरू होकर और नीचे पैर के की जो नस दब जाती है, नस दबने के कारण से जो है दर्द कमर से लेकर नीचे तक पहुंच जाता है, जिससे क्या है कि वो इतना असहनीय दर्द होता है कि धीरे धीरे पैर सूखने लगती है और पैर पैरालाइज हो जाता है और पैर उठाने में समस्या होती है। जब पैर उठेगा ही नहीं तो आदमी चलेगा कैसे, फिर समझ लीजिए उसकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। दोस्तों तो आज आप इस नरक से निजात पाना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेकर आए हैं आशीष प्राकृतिक चिकित्सा, जहाँ पे हमारे डॉक्टर ब्रजेश पटेल जो वैद्य जी हैं, वो नस देखकर आपका इलाज करेंगे। नस देखकर आज हम भी जब फर्स्ट टाइम वहाँ पे गए तो हमें भी अचंभा लगा कि भाई नस देखकर भी कोई भला इलाज कर सकता है क्या। लेकिन जब हम वहाँ पे गए तो मेरी मैडम को इलाज कराना था, वो 2-3 महीने से बेड पर पड़ी हुई थी। तो मैडम को जब हमने दिखाया तो नारी देखकर बताएं कि आपके साथ भविष्य में ये घटना हुई है, आपने भारी चीज़ उठाया है, या घंटों खड़े रहे हैं या गिरे होंगे, मतलब कुछ ना कुछ कारण रहा होगा जो दर्द बना और दवा खाकर आपने अपने हाल को इस हाल में पहुंचा लिया। उन्होंने बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई, खुद से किया, नस को अपनी जगह पर व्यवस्थित किया और विश्वास न कीजिएगा, फर्स्ट दिन से ऐसा रिजल्ट आया कि 7 दिन के अंदर मेरी मैडम ठीक हो गई। वो नस के द्वारा इलाज तो करते ही करते हैं, साथ साथ वो एक्सरसाइज आपको बता देंगे कि डेली ये एक्सरसाइज कीजिए, साथ साथ परहेज कि भाई ये परहेज करना है, गर्म पानी में सेंधा नमक डालकर सेक लगाना है, उसके अलावा जड़ी बूटियों से आयुर्वेदिक दवा बनाकर देते हैं जो बंदे के लिए रामबाण साबित होता है। दोस्तों आप विश्वास न कीजिएगा, हम BHU में बड़े डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ऑपरेशन की सलाह दी, उसके बाद हम सिविल में भी 2-3 हॉस्पिटल में गए ताकि वहाँ पे ऑपरेशन से मना कर दें, लेकिन हर जगह वही बात कि भाई ऑपरेशन तो आपको कराना ही पड़ेगा। फिर हम यहाँ से जो लखनऊ में एक हॉस्पिटल है PG, कौन सा है, संजय गांधी का जो हॉस्पिटल है ना, संजय गांधी के नाम से PG, वहाँ पे जाकर हमने दिखाई, वहाँ पर भी डॉक्टर ने बोला कि भाई आपको ऑपरेट कराना ही पड़ेगा। लेकिन हमने पूछा कि भाई ऑपरेशन तो हम करा लेंगे, लेकिन क्या उसके बाद मरीज ठीक हो जाएंगे, अपने पैरों पर चलने लगेंगे। तो उन्होंने बोला भाई मैं इसकी गारंटी नहीं ले सकता, आपका मरीज ठीक भी हो सकता है, नहीं भी ठीक हो सकता है। फिर हम वहाँ से मायूस होकर रिटर्न आ गए और हमें पता चला कि डॉक्टर ब्रजेश पटेल हमारे लिए तो फरिश्ता से कम नहीं है, जिन्होंने मेरी मैडम का इलाज किया और वो ठीक हो गई। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन
बहुत क्रिटिकल होता है न्यूरो का, और न्यूरोसर्जन का जो फीस है ऑपरेशन का, और इस महंगाई के ज़माने में और ख़ास करके कोरोना के समय आपको 2 लाख से 2.5 लाख रुपया लगेंगे। बोलने के लिए तो 75-80 हज़ार रुपया बोलते हैं, लेकिन 2 से 2.5 लाख रुपया, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका मरीज ठीक होगा ही होगा। तो दोस्तों मेरा बात मानिए, और ये जो आयुष प्राकृतिक जो चिकित्सा है, जिनके डॉक्टर वैद्य जी डॉक्टर ब्रजेश पटेल हैं, बहुत ही अच्छे बहुत ही अनुभवी वैद्य जी हैं, जो आपकी निराशा भरी जिंदगी में खुशियां भरकर आपको रिटर्न करेंगे। ये जो क्लिनिक है आयुष प्राकृतिक चिकित्सा, ये ग्राम फकीरपुर में है, जो भोजूबीर से 5 किलोमीटर दूर है। आप भोजूबीर में जाकर पता करेंगे तो बता देंगे। मैं इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या वीडियो के लास्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा नसों के द्वारा वो किस किस चीज़ का इलाज करते हैं देख लीजिए, निराश न होइएगा। जैसे लकवा, पेट में गैस की समस्या, मिर्गी, हार्निया, साइटिका, पीलिया, सफ़ेद दाग, शुगर, पोलियो, गर्दन, कमर, हाथ पैर उठाने और घुमाने में दर्द एवं चलने फिरने में मजबूर व्यक्ति जो बैसाखियों पर अपना जीवन गुजार रहे हैं, उनके लिए वो डॉक्टर साहब बहुत ही कारगर साबित हो सकते हैं दोस्तों। तो देन एंड देयर अगर ऑपरेशन से बचना चाहते हैं और अपनी खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो प्लीज़ एक बार आशीष प्राकृतिक चिकित्सा में पक्का जाइए आप, वहाँ पे जहाँ पे आपका इलाज संभव हो सके और अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरुआत कर सके। अपने यहाँ से लेट कर जाइए, वहाँ से चल कर आइए। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मेरा आँखों देखा है। मैं भी विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब मैं वहाँ गया तो मेरे को लगा या भगवान मेरे को खुदा मिल गए। ब्रजेश पटेल डॉक्टर साहब वैद्य नहीं, हमारे लिए भगवान है। मैं कोई बढ़ा चढ़ा कर बोलने की कोशिश नहीं करता हूँ दोस्तों, लेकिन ये प्रूफ किया हुआ है। आप एक बार जाएं, ऑपरेशन कराने का अगर किसी ने सलाह दिया है तो आप ऑपरेशन ना कराएं, पहले वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ पर फीस भी ज़्यादा नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं, फीस वहाँ पर 50 रुपया है और दवा 500 रुपया, 500 के अंडर में ही आपका दवा हो जाएगा। जाने आने का खर्च है वो तो अलग से ही है। तो कोई नहीं, आप जहाँ आप लाखों हजारों खर्च किए, हजारों डॉक्टर के पास भटके, एक बार आप वहाँ पक्का जाएं। और मेरे इस वीडियो बनाने का उद्देश्य दोस्तों कि किसी के दर्द में अगर राहत मिलेगा तो हमें पुण्य मिलेगा, और बंदा अगर ठीक हो गया तो कितनी दुआएँ मिलेगी। तो प्लीज़ जो भी बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, अपने नियर डियर को बताएं कि हर समस्या का इलाज वहाँ पे नसों के द्वारा होता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, साथ साथ दोस्तों को शेयर करना ना भूले दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये किसी की जान बचा सकती है दोस्तों, ऑपरेशन से बचा सकती है। वो आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपका यार हो सकता है, आपके सगे संबंधी हो सकते हैं दोस्तों। तो पुण्य का काम करने में कभी पीछे नहीं रहना है दोस्तों, और इसी प्रकार का वीडियो मैं हर संडे के संडे लेकर आया करूँगा, और आप स्वस्थ रहेंगे तो हमें खुशी मिलेगी। स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और लोगों के लिए दुआएँ करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।